हेलो बच्चों, कार्बन एंड कंपाउंड्स पार्ट थ्री में हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसका अलग अलग तरीके से टीचर्स बताते हैं, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट पैटर्न बताती हूँ। मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल, बॉन्ड डायग्राम और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तीन कॉलम बनाए, ठीक है। इसका तरीका ये है, पहले मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल देती हूँ, जैसे बहुत सिंपल मॉलिक्यूल जो आप जानते भी हैं, H2, ठीक है, O2, N2, F2, ठीक है, H2O, CO2, फिलहाल इतने लेते हैं, ठीक है। आपको इनका जो डॉट स्ट्रक्चर बनाना है उस पर दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि जब भी हाइड्रोजन एटम हो उसके लिए आपको बनाने हैं 2 डॉट्स, और हाइड्रोजन के अलावा अदर जितने भी एटम्स हैं उनके लिए कितने बनाने हैं, 8 डॉट्स। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन के लिए 2 डॉट्स और अदर एटम्स के लिए 8 डॉट्स, ठीक है। अच्छा, इन सब के बॉन्ड डायग्राम आपको पता होने चाहिए तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। और ये है बहुत आसान, कोई डिफिकल्टी है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, ये H2 का मॉलिक्यूल है। O2 के मॉलिक्यूल में हमेशा आपको क्या बनाना है, डबल बॉन्ड होता है, तो O2 का बॉन्ड डायग्राम आप ये बनाएंगे। N2 नाइट्रोजन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो नाइट्रोजन में आप क्या बनाएंगे, एन ट्रिपल बॉन्ड। एन फ्लोरीन F में हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, आप F2 बना लेंगे, ठीक है। H2O पानी, वाटर, वाटर में आप ये बना दीजिए, ठीक है, O के अराउंड 2H। CO2 में ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि CO2 में जो दोनों बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। अब अगर आपको ये सिंपल से बॉन्ड डायग्राम्स पता है तो आपको क्या करना है, हर बॉन्ड की कॉस्ट पर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं। कहने का मतलब H2 है, आप क्या करिए, यहां से बॉन्ड हटा दीजिए और दोनों H एटम को इसी मैनर में लिखिए और इसकी जगह पर, बॉन्ड की जगह पर उसी मैनर में 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस H के लिए भी काउंट होगा, इसके लिए भी काउंट होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन है तो आप ONO को इसी मैनर में लिखिए, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और आपको करना क्या है, पर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो सेम डिजाइन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 4 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट में कंडीशन क्या थी, हाइड्रोजन पर तो 2 डॉट्स होते हैं लेकिन अदर एटम पे 8 डॉट्स, तो इस ऑक्सीजन के अराउंड 8 डॉट्स कंप्लीट करने हैं। इसके अराउंड ऑलरेडी 4 डॉट तो हैं, 4 हैं, 5, 6, 7, 8। इन द सेम मैनर इस ऑक्सीजन के अराउंड भी 1, 2, 3, 4 तो हैं, 5, 6, 7, 8, ठीक है। नाइट्रोजन पर आते हैं तो आप पहले नाइट्रोजन को सेम मैनर में बना लीजिए, सेम मैनर में स्केलेटन फॉर्म में बना लीजिए, और जो 3 बॉन्ड थे पर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके नीचे वाले बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके नीचे वाले बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल आपने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। कितने करने हैं, 8। नाइट्रोजन के अराउंड 6 तो है, 7 और 8 इसके अराउंड, 7 और 8 इसके अराउंड, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूं, जो सर्किल्स ड्रॉ करना बुक्स में दिया जाता है या बताया जाता है वो कंपलसरी नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल है लुईस डॉट के। फ्लोरीन में देखिए, दोनों F और F को इसी मैनर में लिखिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड था ना, सिंगल बॉन्ड हटाओ, सिंगल बॉन्ड की जगह पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। अब आपको 8 पूरा करना है तो फ्लोरीन के अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस फ्लोरीन के अराउंड भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। पानी पर आइए, H2O इसी मैनर में, सेम डिजाइन में, पहले मैंने एटम्स को ऐसे लिख दिया, ठीक है, इस बॉन्ड की जगह पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाए, इस बॉन्ड की जगह पर भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। हाइड्रोजन पर तो 2 ही होने चाहिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन पर मुझे 8 चाहिए, 8 में से 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी है, 5, 6, 7, 8, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। CO2 इस
पैटर्न पे होता है, तो मैं सेम मैनर में पहले कार्बन और ऑक्सीजन को प्लेस कर देती हूँ, फिर इन बॉन्ड्स की जगह पर मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, यहाँ पर भी मैंने 1, 2, 3, 4 लगा दिए। इस कार्बन का स्टेटस देखें तो ऑलरेडी 8 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आपको नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं। इस ऑक्सीजन पर आए तो 4, 5, 6, 7, 8, इस ऑक्सीजन पर आए तो 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये इनके लुईस डायग्राम्स ड्रॉ कर लिए। अभी मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस देती हूँ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन का बॉन्ड डायग्राम आप सारे बच्चे जानते हैं कि कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं। ये आपने 4 बॉन्ड बनाए, पर बॉन्ड आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो इसका लुईस डॉट कैसे बनाएंगे, सेम मैनर में पहले आप मॉलिक्यूल का एटम्स का स्केलेटन बना लीजिए। अब बॉन्ड्स की जगह आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स रख देने हैं, ठीक है। कार्बन के अराउंड एक बार काउंट कर लीजिए, 8 कंप्लीट हो गया है, पर हाइड्रोजन 2 कंप्लीट हो गया है। तो दिस इज द बॉन्ड लाइन और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। सपोज मैंने आपको दिया है इथीन, इथीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप क्या करेंगे, अच्छा इसको ये भी लिखते हैं C2H4, ठीक है। सपोज आपको ये दिया था C2H4, आप क्या करेंगे, पहले इसका ये एक्सपेंडेड जो डायग्राम है ये बना लीजिए, ठीक है। अब सेम एटम्स के स्केलेटन को इधर ड्रॉ करिए, बॉन्ड्स हटाते जाइए और इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते जाइए, ठीक है। तो देखो मैं सेम मैनर में पहले एटम्स को रख देती हूँ, इधर H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, ठीक है। अब बीच में डबल बॉन्ड था, 1, 2, 3, 4, ये वाले बॉन्ड को मैंने यहाँ बना दिया, इस बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लेस हो गए और ये भी इलेक्ट्रॉन प्लेस हो गए। आप एक बार काउंट कर लीजिए, हर कार्बन के अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ठीक है। सपोज आपको दिया है CH3OH, ठीक है। अगेन आपको क्या करना है, पहले इसका बॉन्ड डायग्राम बनाना है। बॉन्ड डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, बॉन्ड डायग्राम अभी हमने किया था पार्ट 2 में, ये हो गया इसका बॉन्ड डायग्राम, ठीक है। अब सेम बॉन्ड डायग्राम का एटम स्केलेटन इधर ड्रॉ कर लीजिए, सी के अराउंड 3H है, फिर O है, फिर H है, पर बॉन्ड 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आप प्लेस करते जाइए, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8 और इस तरह से आपने प्लेस कर दिए। इस कार्बन के अराउंड चेक कर लीजिए, ऑक्टेट कंप्लीट है, तीनों हाइड्रोजन के अराउंड ड्यूप्लेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन की स्टेटस पर आते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 है यानी 5, 6 और 7, 8, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर मैं आती हूँ, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है CH3COOH। पहले आप इसका बॉन्ड डायग्राम ये आपको आना चाहिए, ठीक है, और ये हम IUPAC में भी पढ़ते हैं और हमने पार्ट 1 में इसको डील किया है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सेम स्केलेटन पहले आप वहां पे बना लीजिए, सी के अराउंड एच है। यहाँ पर जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो होता है ऑक्सीजन, सारे एटम देख लेते हैं और ऑक्सीजन को भूल जाते हैं, ठीक है, और वहीं पे आपके मार्क्स कटते हैं। तो प्लीज आप इसका ध्यान रखिए, पर बॉन्ड आप एक एक इलेक्ट्रॉन लगाते जा रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे 2 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पे 1 बार, इतना करने के बाद इन ऑक्सीजन को गौर करना है जो अक्सर भूल में चले जाता है। इस O के अराउंड 4 है, 5, 6, 7, 8, इस O के अराउंड भी 4 है, 5, 6, 7, 8, दैट इज द लुईस डॉट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइक्लो यानी रिंग, पेंटेन यानी पेंटागन बना लीजिए। पेंटागन में हर कॉर्नर पर एक एक कार्बन को रख दीजिए, ठीक है, और कार्बन के अराउंड जो है आप H2
2-2 बार H आ जाएगा. 2-2 बार H कैसे आता है मैं आपको ये वाले बॉन्ड डायग्राम में एक बार बता देती हूँ एक्सपेंड करके. पेंटागन के बाद जब आपने हर कॉर्नर पे कार्बन रखा, कार्बन के अराउंड ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स हैं, तो आपको 2-2 बॉन्ड्स और लगाने हैं. ठीक है, और इसी मैनर में इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा. तो आप पहले पेंटागन मैनर में कार्बन एटम्स को अरेंज कर दीजिए. ठीक है, जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं उनके अराउंड आप डॉट्स बना दीजिए. ठीक है, फिर इनके अराउंड आप हाइड्रोजन रखिए और हाइड्रोजन के अराउंड भी आप डॉट बना दीजिए. मैं एक बार फिर कह रही हूँ, इनमें सर्कल्स ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है. जो अक्सर नंबर ऑफ बुक्स में दिया जाता है उसके बिना भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स एक्सेप्टेबल हैं. ठीक है, ऐसा ही एक मॉलिक्यूल है बेंजीन और S8. बेंजीन इज C6H6. बेंजीन के लिए आपको हेक्सागन बनाना है. हेक्सागन में हर कॉर्नर पर एक एक कार्बन प्लेस करना है और हर कार्बन पर आपको एक एक हाइड्रोजन प्लेस करना है. ठीक है, अब सेम कहानी, सेम स्केलेटन बना करके और आप बॉन्ड्स की जगह पर क्या रखते जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर रखते जाएंगे. ठीक है, तो पहले मैंने हेक्सागोनल मैनर में ये बनाया. यहां पर जो बॉन्ड्स थे जहां जहां डबल बॉन्ड थे वहां पर मुझे ऑल्टरनेट कॉर्नर पर डबल डबल बनाने हैं. ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ आपको एक एक पेयर प्लेस करता जाना है. और ये हाइड्रोजन के साथ एक और जो एनसीईआरटी में दिया है और इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं वो है S8. S8 यानी कि ऑक्टागन, ऑक्टागन ये ड्राइंग हुआ. ऑक्टागन के हर कॉर्नर पर आप एक एक सल्फर एटम को रख दीजिए. ठीक है, अच्छा, अब इसका लुईस डॉट में भी आपको अगेन मैं फिर कह रही हूँ सर्किल नहीं बनाना है. आप सल्फर को ऑक्टागोनल मैनर में ड्रॉ कर लीजिए एटम्स. हर बॉन्ड की जगह पर आपको क्या रखते जाने हैं, एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते जाने हैं. ठीक है, अब यहां पर भी आप ये मत भूल जाइए कि आपको ऑक्टेट फिनिश करना है. तो सल्फर के अराउंड 1, 2, 3, 4 है, 5, 6, 7, 8. ठीक है, तो हर सल्फर के अराउंड आपको फर्दर 2-2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बनाने हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं. और इसके लिए आपको अगर बॉन्ड डायग्राम याद हो तो बहुत इजीली हो जाएगा. बॉन्ड डायग्राम कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप इजीली एक दो बार ड्रॉ करेंगे आपको मेमोराइज हो जाते हैं और लुईस डॉट बनाना इससे बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं.